पान मसाला का प्रचार करने के लिए पूर्व सेंसर बोर्ड प्रमुख प्रहलाद निहलानी ने अक्षय कुमार की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने कहा, साफ सुथरी छवि वाला एक अभिनेता कैंसर युक्त प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है। शाहरुख खान और अजय देवगन के बाद अब पान मसाले के विज्ञापन में तीसरा नाम भी नजर आ रहा है। इस बार अक्षय कुमार पान मसाले के एक विज्ञापन का प्रचार करने लगे हैं। कैंसर जैसे गंभीर रोग को बढ़ावा देने वाले पदार्थ का प्रचार करने के लिए अभिनेता को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। अक्षय कुमार के इस काम के बाद CBFC के पूर्व प्रमुख प्रहलाद निहलानी ने भी उनकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, साफ सुथरी छवि वाला एक अभिनेता कैंसर युक्त प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है। अक्षय कुमार के टीवी पर जुबा केसरी बोलने के बाद प्रहलाद निहलानी ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जहां अक्षय कुमार एक आम आदमी को सिगरेट पीने की बजाय सैनिटरी पैड पर पैसा खर्च करने के बारे में बताते हैं, उसे अब से फिल्मों से हटा दिया जाना चाहिए। सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक तरफ जहां एक जाना माना सुपरस्टार जनता को सिगरेट पर खर्च न करने के लिए कह रहा है, वही दूसरी ओर वही अभिनेता पान मसाले खाने की भी सलाह दे रहे हैं। ये सब जनता के लिए बहुत भ्रमित करने वाला है। प्रहलाद निहलानी ने बॉलीवुड अभिनेताओं से साउथ इंडियन एक्टर्स की तुलना की। उन्होंने दक्षिण भारतीय अभिनेताओं की तारीफ की। दक्षिण में रजनीकांत, विजय और खुशबू जैसे सितारों के लिए मंदिर बने हैं। उन्होंने कहा, जब मुंबई में यश की KGF 2 रिलीज हुई तो फैंस ने उनके कटआउट को दूध से नहलाया और कर्नाटक में करीब 20,000 किताबों से उनकी बहुत बड़ी तस्वीर बनाई। क्या आपने कभी किसी बॉलीवुड अभिनेता को इस तरह सम्मानित होते हुए सुना है? उन्होंने कहा, बॉलीवुड अभिनेता कभी वो मुकाम हासिल ही नहीं कर सकते जो साउथ के एक्टर्स का है। उन्होंने ये भी बताया कि शराब और पान मसालों का प्रचार अवैध और असंवैधानिक है। फिलहाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।